ए फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग होके और मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। टाइम अभी हो रहा है सुबह का 8:30। मॉर्निंग में मैंने बच्चों को स्कूल तो भेज दिया और मैंने लगा लिया थोड़ा सा मेहंदी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा एक पार्टी में भी जाना है और करवा चौथ भी आ रहा है, तो मेरे बाल थोड़े से डैमेज हो रहे हैं। मतलब कि तेल, मतलब ऑयलिंग करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ऐसा पड़ जाता है कि मैं ऑयलिंग नहीं कर पाती हूँ और बाल बहुत डैमेज हो रहे थे। तो आज पार्टी में भी जाना है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा केयर कर लेते हैं अपनी। और बालों में मैंने लगा लिए नींबू डाल के मेहंदी। मैं कलर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे, मतलब मेरे बालों को कलर की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी में ऑलरेडी इतना कलर होता है ना कि बरगंडी सा कलर आ जाता है, जो नॉर्मल कलर में बरगंडी कलर होता है वो आ जाता है, तो इसलिए मैंने मेहंदी लगाना सही समझा। जब कलर करना शुरू कर दो ना तो उसी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उधर अजीत सो रहे हैं अभी और मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। और आज बच्चों को छोड़ने के बाद स्कूल मैं सोई नहीं, कि वैसे मैं सो लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है वीडियोस बनाने में और कुछ कुछ करने में, वीडियो एडिट वगैरह करने में। तो अभी तो मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और मेहंदी इसीलिए लगा लिया, जब क्लीनिंग करके नहाऊँगी ना तो मतलब मैं बाल धुल लूँगी, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, आधा घंटा 45 मिनट इतना ही देना होता है। तो पार्टी में पीछे जाना है, मतलब मेरे घर के पीछे मेरे इन लॉज रहते हैं, मतलब कि चचिया सास ससुर रहते हैं, तो वहीं जाना है। आज मेरे देवर का बर्थडे है तो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे देवर है ना, वो आपको दिखाऊंगी मैं, कि मतलब वो आए हुए हैं, आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा उनको, तो उनका ही बर्थडे है। तो आज सुबह से ही है, मतलब सुबह से कथा वथा, मतलब कथा है और मैं इस तरीके से बोलती हूँ ना, कथा वथा है और भी किसी चीज़ को ऐसे ही लेके बोलती हूँ तो बाद में मुझे कमेंट सुनने को मिलता है कि कथा वथा क्या होता है, ये वो क्या होता है। तो कथा है, पूजा है, तो चूँकि फैमिली के ही हैं हम लोग, पूरे लोग फैमिली के ही हैं, तो मॉर्निंग से ही जाना है। आज कुछ भी बनाना नहीं है, चाची जी ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि कुछ भी मत बनाना, तो कुछ बनाने की टेंशन है नहीं, बस नहा धो के जाने की टेंशन है। तो जल्दी से कर लेते हैं रूम की क्लीनिंग और अभी मुझे नीचे भी बहुत सारा काम करना है, वो सब करने के बाद मैं ये नहा वहा लूँगी तब आपसे मिलूँगी। तो जो भी मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं शावर के बाद। सो फैमिली, हम हो गए हैं नहा धो के तैयार और एकदम सती सावित्री बन के जाने वाले हैं, क्योंकि ससुराल के पक्ष में इसलिए मैंने ऐसे दुपट्टा रख लिया। और मैंने साड़ी इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे शाम को साड़ी पहननी है, तो मैं दो टाइम साड़ी नहीं पहन सकती हूँ, थोड़ा सा अलग लगना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने अभी साड़ी नहीं पहनी है। और 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी लेकिन 11 बज गया अभी, मतलब मैंने 10 बजे फ़ोन करके पूछा था तो उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब स्टार्ट हो गया। तो चलते फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे कथा वहाँ पर शुरू हो गई है, तो चलते फटाफट और पूजा पाठ करते हैं। सो फैमिली, फाइनली मैं आ गई हूँ पूजा में, तो कथा शुरू हो चुकी थी। जब मैं आई हूँ तो सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हो रही थी और उसका 3 अध्याय हो चुका था। इधर चाचा चाची कथा में बैठे थे क्योंकि आदि जो है वो अभी बहुत छोटा है, वो कथे पे नहीं बैठ सकता था। तो इधर हवन हो चुका है और अभी आरती हो रही है, तो इसके बाद होगी थोड़ा सा पूजा पाठ और चाय नाश्ता। तो अभी तो फिलहाल पूजा पाठ ही चल रही है, इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं सूट नहीं कर पाऊँगी तो उसको मैं स्किप कर दूँगी, तो उसके लिए मैं अभी से आपको सॉरी कह रही हूँ। और पूरे दिन की जर्नी आज मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अभी मैं आ गई हूँ घर पे वापस, फिर से वहाँ पे पूजा वूजा हो गई और बहुत अच्छे से चाय नाश्ता सब हो गया।
ली है और कढ़ी चावल और तहरी बनने वाली है। तहरी मेरी मोस्ट फेवरेट है, तो ये सारी चीज़ें खाएंगे अभी। तो अभी बस चाय पी के फिर चलेंगे उधर, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। सो फैमिली, अभी मैं कुछ रील्स बना रही थी, उतने में मेरे लिए आ जाता है कुरियर बॉय, जो कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था वो आया हुआ है। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है, क्या किया है आगे दिखाते हैं कि मैंने किसके लिए और क्या मंगाया है। सो फैमिली, मैं बहुत ढेर सारी रील्स बना रही थी, रील्स बनाते बनाते मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया है और मैंने अब लगाया है ढेर सारा प्रोडक्ट दिवाली के उससे पे। मैंने करवा चौथ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि करवा चौथ का जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं इतना सारा अपने लिए नहीं मंगा सकती। मैंने साड़ी बनाई, उसकी सारी चीज़ें मेरे पास है। वैसे भी ज्वेलरी वगैरह में गोल्ड वगैरह जो होता है ना, वो हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, आर्टिफिशियल थोड़ा कम पहनते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें करवा चौथ की तैयारी ऑलमोस्ट थी। बस साड़ी बनने के लिए मैंने दी है और उसको मतलब बनवाना है, मतलब दे दिया है, वो आ जाएगा एक दो दिन में। और इधर साक्षी का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने साक्षी के लिए कुछ ऑर्डर लगाया था, तो वो आज आगे मैंने फ्लिपकार्ट से लगाया था। तो मैंने ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, प्रमोशन वीडियो जब होगी तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने साक्षी के लिए एक गाउन मंगाया है, क्योंकि अब इसके बाद जो है ना वो ठंड होने वाली है, तो उसी से रिलेट करके मंगाया कि अभी वो छठ पूजा वगैरह में जाए, छठ पूजा में जाएगी। मेरी आदत इतनी बुरी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, तो छठ पूजा में जाएगी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मंगाते हैं जो थोड़ा सा गरम गरम सा रहेगा, क्योंकि ठंड आ रही है। तो अब जितने आगे के मतलब कि फेस्टिवल तो नहीं कह सकते, एक दिवाली ही होने वाली है, इसके बाद तो सारे फेस्टिवल स्टॉप से हो जाने हैं। तो छठ पूजा है और भाई दूज है और दिवाली भी है, तो जब भी उसको पहनने का मन करेगा, उसको बर्थडे भी है, तो मैं कुछ मतलब अभी निधि तो बहुत छोटी है, तो मैं साक्षी के लिए कुछ ऐसे ड्रेसेस देखती हूँ जो मैं बहुत महंगा नहीं देखती हूँ, मतलब सच बता रही हूँ, मैं बहुत महंगा नहीं देती हूँ, मैं एक बजट के अंदर देती हूँ, क्योंकि ये सारे बच्चे अभी बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें छोटे हो जाती तो बहुत खर्चा है। मैं इसी तरह सारा दीदी के लिए इतनी महंगे महंगे ड्रेस खरीदती हूँ, फिर मुझे बहुत खर्चा है कि वो छोटे हो जाएंगे, फिर वो ऐसे ही रखे रह जाएंगे। अब तो मेरे पास मेरी भांजी आ गई है, तो चलो थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा, हम लोग आपस में ऐसे कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी दिखाते हैं कि मैंने साक्षी के लिए क्या मंगवाया। मैंने उसको जब वो आई थी ना मेरे पास, तो मैंने उसको दिखाया था कि साक्षी मैं इस तरीके के लिए तेरे लिए कुछ ड्रेस मंगाऊँ, तो उसको उसने कहा था हाँ ओके है, तो ही मैंने मंगाया। तो ये देखो, ये ऐसे मैंने वेलवेट का बहुत शॉर्ट नहीं है, क्योंकि साक्षी जो है ना उसकी हाइट बहुत अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, फिगर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने उसके लिए ऐसा फ्रॉक टाइप का ही मतलब गाउन नहीं कहेंगे इसको, पूरा मुझे तो गाउन हो जा रहा है, उसको उसकी हाइट मुझसे बहुत अच्छी है, तो उसको थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा रहेगा, लेकिन ये मैंने उसके लिए मंगाया है ये वेलवेट का। तो उसके ऊपर एक्चुअली मैंने ऐसा मैंने लिया था रेड कलर का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो मुझे तो पता था कि ये अच्छा तो आएगा और वाकई में कलर भी बहुत सुंदर है, उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं मुझे पता है इसको, मेरी दी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ऐसा फुल स्लीव्स का भी है और वेलवेट का भी है, उसको ठंड भी थोड़ी कम लगेगी, उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने ऐसा कुछ मंगाया है। ये मतलब कि फ्रॉक है, तो कैसा लगा आपको ये? मैं मुझे पता है वो मेरा ये व्लॉग देख लेगी, लेकिन ठीक है, उसको कोई ना, मैं उसको हर चीज़ बिफोर ही देती हूँ। तो ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत बजट में है, बहुत बजट, प्राइस नहीं बताना है अभी, क्योंकि ये किसी का गिफ्ट है, मैं तो प्राइस नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बहुत बजट में बहुत प्यारी चीज़ है। तो अगर आपको भी लेना हो तो मतलब इसको आप ले सकते हो, बहुत सुंदर है। सो फैमिली, इधर मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, आदि के लिए भी लेनी थी और अपने लिए भी लेनी थी। अजीत ने कहा चलो आज करवा चौथ की शॉपिंग भी करा लाते हैं, तो वो भी निकली हूँ लेने, तो चलते देखते कि आज हम क्या लेते हैं। परेशान
देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से आई हूँ और बहुत जल्दी से तैयार भी हो गई हूँ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। थोड़ा सा बाल मेरे चिप चिप लग रहे हैं क्या? नहीं, मैंने आज हेयर वॉश किया था। तो मैं हो गई हूँ तैयार पूरा और बच्चे तो मैं आई और तुरंत बच्चों को तैयार करके भेजा और फिर मैं हो गई हूँ तैयार। मम्मी भी हो गई तैयार, मम्मी बस मेरा वेट कर रही है। अब जैसे हम निकलेंगे वैसे मम्मी निकलेंगी। तो कैसा लग रहा है? सिंपल सा साधारण सा लुक लेके। तो अब छोटी सी मतलब बर्थडे पार्टी है, इसमें क्या ही आदमी ताम झाम करे। तो आज मैंने फिर से अपनी तीज वाली साड़ी पहनी हुई है, दिखाते फुल लुक आपको सीसी में। तो आज मैंने इस तरीके से कुछ साड़ी पहनी है और मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी लगती है ना, एकदम कंफर्टेबल, इतनी प्यारी साड़ी लगती है। थोड़ा सा मेरा पेट अंदर हो जाना तो मैं और अच्छी लगने लगूँ, लेकिन नहीं, इतना सुख नहीं देता भगवान। तो मैं चलती हूँ फटाफट क्योंकि हो रहा है बहुत लेट और केक तो ऑल मतलब कि कट ही चुका है। बस अब चलते हैं, औपचारिकता नहीं बनते हैं, चलते हैं, ढेर सारी मस्ती और धूम करते हैं और मिलते हैं बर्थडे पार्टी। सो हमें बहुत लेट होने के बाद हम लोग देखिए आ गए हैं बर्थडे पार्टी में और बहुत जल्दी केक कट गया। चाची लोग ने कहा था कि 7 बजे कटेगा, मैंने सोचा था कि नहीं 8 बजे तक केक कटेगा, जितना टाइम था उसके टाइम तक होता नहीं है। तो इधर मैं आ चुकी हूँ और बच्चों का डांस चल रहा था। तो ये देखिए छोटा सा ओम है मेरा, वो डांस कर रहा है। बहुत दिनों के बाद इसको मिल रही हूँ मैं और बहुत दिनों के बाद क्यों मिल रही हूँ वो कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो खूब मस्ती कर रहा था, खूब इंजॉय कर रहा था। और इधर साक्षी और रिद्धि और मम्मी भाई काफ़ी मस्ती करी थी और सबसे मस्ती करने के बाद अभी आगे चलो अब हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा डांस करते हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि कैसे शुरू करें कैसे शुरू करें। जब कोई चीज़ें शुरू करना होती है ना तो बहुत टाइम लगता है, जैसे लगता है कि कब करें कैसे करें, पहले कोई और कर दूँ फिर मैं करूँ। तो इधर अजीत आज घर पर थे और चुकी सास और बुआ नंदे सभी लोग थी। तो हम लोगों का यही है, सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग जो नाच नाच गाना शुरू कर देना वो ख़त्म ही नहीं होता है। ये हम लोगों के घर के हर प्रोग्राम का यही कंडीशन है, आपको हर प्रोग्राम में ये देखने को मिलेगा। अभी तो कहते ना कि फेस्टिवल सीज़न के बाद जो ये शादियों का सीज़न चलता है ना, उसमें मेरे यहाँ बहुत सारी शादियाँ बनने वाली हैं और उन सब शादियों में हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, हमारे घर में शादियों में कितनी मस्तियाँ होती हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तो ये छोटी सी बर्थडे पार्टी है। तो हम मैं और सुखिया साथ और अजीत और देवर नंद सबको मिल के खूब डांस कर रहे थे यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत दिनों के बाद ऐसी पार्टी मिली है, मतलब फैमिली पार्टी जिसमें हम लोग एक साथ हुए हैं और ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज जो फिर से मेरा जो ये डांस संस्था है, मैं चाहती हूँ कि मतलब कि नॉर्मल तरीके से गाने वाले को मैं डालूँ, लेकिन कि ये ना कि कॉपीराइट क्लेम आ जाने के डर की वजह से मैं मतलब इन सब चीज़ों को डाल नहीं सकती हूँ। इस वजह से मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ता है। ये हर ब्लॉग में हर बार में आप लोगों को बताती हूँ कि हर ब्लॉगर की ये एक मजबूरी होती है इस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करने की, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट नहीं करेंगे इस तरीके से तो बहुत मुसीबतों का हम लोगों को सामना भी करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अभी देखिए हम लोग खूब धूम धड़ाका मचा रहे, खूब नाच गाना हो रहा है और आगे जो जो मस्ती हुई है ना मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम लोगों का हर हद के ना एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी और इसीलिए मैंने ना एकदम लाइट वेट साड़ी निकाली जो मतलब मुझे पहनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना लगे और खूब अच्छे से मैं मतलब कि इसमें बहुत, अब मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब गर्मी के नाम से कोई चीज़ ही नहीं थी, एकदम अच्छा सा मौसम है ठंडा ठंडा। तो ऐसे मौसम में कुछ भी करने का मन भी करता है, तैयार हो जाओ तो भी अच्छा लगता है, नहीं तैयार हो तो मतलब कि तो भी सही है।
और डांस करो, मस्ती करो, क्या जो भी करो। तो इधर बस हम लोगों का गाना कुछ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक ही मोबाइल था और उसमें बार बार आ जा रहे थे कॉल, तो इसकी वजह से हम लोग का बीच में जो है ना रिदम रुक जा रही थी। और इधर मतलब कि बीच बीच में ऐसा हो जा रहा था ना, काफ़ी लंबा मैंने एक किनारे मोबाइल रख दिया तो काफ़ी लंबा ब्लॉक होता है, मतलब वीडियो शूट हो गया। तो मैंने इसको मतलब कि कुछ भी डिलीट नहीं किया, जो जो आज मैंने किया है वो सारी चीज़ें मतलब मैंने इसमें जो है मतलब कि शेयर की है कि आज मैंने दो तीन दिनों के बाद में ब्लॉगिंग करी और आज के बाद आज ये मेरा ब्लॉग आने वाला है। मैंने रामनवमी के दिन जो मैंने ब्लॉग बनाया उसके बाद नहीं बनाया क्योंकि नवरात्र के बीच में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि उसके बाद टाइम मतलब कि एकदम हिम्मत ही नहीं हुई कि ब्लॉगिंग कर सकूँ। और आज तो कहते हैं ना कि वो समय भी है, दस्तूर भी है, ऐसा कुछ तो वही चला था। आदि का बर्थडे था और हम लोगों से बहुत अटैच है आदि, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ये चीज़ मतलब आज से ब्लॉगिंग मॉर्निंग से ही करते, इसलिए मैंने आज सुबह से उठ के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से जो मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू की है ना वो अभी तक मैं कर ही रही हूँ। बहुत सारे डांस करने के बाद एक गाना ऐसा लगा जिसको हम लोग ने खूब इंजॉय किया। इधर एक ये जो भैया दिख रहे हैं ना, इन्होंने अच्छे से गाना लगा दिया और फिर हम लोग पुराने गाने में भी खूब झूम रहे थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कौन से गाने में कैसे झूमें और क्या क्या करें। तो इधर हम लोग मुझको राणा जी माफ़ करना ना सॉन्ग में खूब डांस किए। अच्छा बीच में हम लोग रुकना पड़ गया क्योंकि जो हमारे पापा ससुर हैं उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बीच में थोड़ा सा स्टॉप हुआ। लेकिन ये जो भैया है ना, ये इन्होंने जो शुरू किया ना फिर लास्ट तक होता ही गया और ये अजीब से घसीट घसीट के इतना डांस किए कि क्या बताया। तो अभी ये जो देख रही है ना, अभी थोड़ा सा बीच में स्पॉइल होने के लिए आया था, इधर हुआ कि हाँ गाना थोड़ा धीमे बजा वो हाथ के चलते। और फिर इधर ये देखिए ये जो है दीदी ही लगेंगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इनका मेरा रिलेशन क्या है, लेकिन मैं इनको दीदी कहूँगी। और इन्होंने ये जो गाने में डांस किया है ना, ये ऐसे बहुत देर से हम लोगों को देख रही थी, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया तो बस हम लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई। हम लोग ने देखा अरे यार ये इतना अच्छा डांस कर रही है, मतलब एकदम सपना चौधरी जैसे, ऐसा लग रहा था सपना चौधरी आके डांस कर रही है। इतना बढ़िया डांस था ना कि फिर तो मैं थोड़ी देर के लिए किनारे हो गई थी कि भाई इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मज़ा आ गया था, इधर सब हाय हेलो करते हुए और सबका इंजॉय हो रहा था। और इधर वंश और आदि यही है मेरे देवर है जिनका बर्थडे है, तो ये थोड़ा खूब आज मस्ती में के मूड में थे। और इधर शुरू हो गया है हम हमारे घर के अच्छे अच्छे जो मर्द हैं उनका डांस और सारे आदमियों का डांस शुरू हुआ है। इस समय हम लोग खाना खा रहे थे तो इसलिए हम लोग बीच में नहीं आए। ये जो भैया है ना, इन्होंने जो डांस किया कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मस्ती इनको चल रखी थी और इतनी मज़ेदार डांस कर रहे थे। इनके डांस को देखिए इतनी हँसी आ रही थी और पूरे महफिल को एकदम इन्होंने बना दिया और बहुत अच्छा डांस किया। और सब देखिए जो मतलब बैठे हुए थे ना, जो बहुत देर से बस देख रहे थे, वो सब ने डांस किया। इन्होंने सबको उतारा था कि माँ फॉग फॉग एकदम उड़ा उड़ा के खूब डांस किया।
और मज़ा भी बहुत आ रही थी। और जो उन्होंने अजीत को पकड़ा वो लास्ट तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं, फिर इनका और अजीत का ही डांस चला था और सब हम लोग बैठ के मज़े ले रहे थे। अरे वाह क्या डांस चल रहा है। और ये मतलब मोस्टली पुराने गानों में कर रहे थे, सपोर्ट ऑर्डर भी कर रहे थे, तो सबको ही को बहुत मज़ा आ रहा था। और हम जितनी महिलाएँ बैठी ना ये देख रहे हम लोग सबको केवल हंस रहे थे, हंस रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि बता नहीं सकते आपको। और इधर अभी कुछ देर के लिए आप देखें कि ये किस तरीके की मस्ती कर रहे हैं। और आगे मैं आपसे मिलती हूँ। आपने देखा इस तरीके से बीच में मैंने भी खूब मस्ती कर ली, अपना डांस कर लिया। जब ये लोग शुरू हो गए ना तो फिर तो किसी को मौका ही नहीं मिला डांस करने के लिए, तो आगे हम लोग क्या ही करते, हम लोग बस देख रहे थे। तो इन लोगों के बीच में तो हम लोगों का पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कुछ भी। लास्ट टाइम में बस इन्हीं लोग यही लोग चाहिए तो पूरे दिन का पैसा उछूल रहे थे। और इन्होंने तो ठान ली थी कि ये किसी के साथ नहीं, बस और बस अजीत के साथ डांस करेंगे ना। कह सकते हैं ना गाना जो है ना, मैंने पी रखी है, मैंने पी ही रखी है, बस वही सीन चला था। और इतनी मजा आ रही थी, इनका डांस स्टेप भी इतना मज़ेदार था कि सब कोई तो एकदम मजा आ रही है। आप देख रहे हो कि इनको क्या हो गया था, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि इन्होंने इतनी मस्ती घोरी वाली डांस की है कि मैं जब जब ये वीडियो देखूंगी ना तो मतलब यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप लोग अगर सामने होते तो आप लोगों को भी बहुत 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 मज़ा आता है, इतनी हंसी आ रही थी। हम लोग सब बैठ के बस मस्ती खोली कर रहे थे और अजीत कह रहे थे भाई मुझे छोड़ दे बस। लेकिन नहीं, अजीत जहाँ जहाँ जा रहे थे ना उनको घसीट घसीट के लेके आ रहे थे ये, और ये एकदम भी मतलब कि थक ही नहीं रहे थे। अजीत बुरी तरीके से थक गए थे, फिर इनके लिए भी थोड़ी मस्ती बन रही है। अजीत ने इनको गोदी भर ली और ये देखती है किस कदर इन लोगों का डांस हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। तो इधर अजीत जब एकदम थक गए, इन्होंने कहा नहीं बस अब हो गया, अब मैं चलता हूँ। सो फैमिली फाइनली अब हम लोग आ गए हैं घर, और रात का 10:30 बज गया। क्योंकि बहुत दूर नहीं जाना था, पीछे ही जाना था, लेकिन 10:30 बज गया, बच्चों को सोने के लिए भी हो रहा है। और कल वंश की पेरेंट्स मीटिंग भी है स्कूल में, तो उसमें भी जाना होगा। तो इसलिए अब वहाँ लास्ट में इतनी मज़ा आई ना, इतनी मज़ा आई, वो एक हर्ष भैया थे वो उन्होंने इतना ज़्यादा डांस किया अजीत के साथ, वो तो आपने देखा ही है आगे अभी जो मैंने दिखाया। तो इतनी मज़ा आ रही थी और मुझे कल ना मुझको वहाँ पे
पहुँचा देना। ठीक आगे की गल नहीं, या एक दिन मैं कन्या खाने गई थी। ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ ना, वो लोग इतना मजा कर रहे थे, इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने अजीत को जैसे पकड़ लिया, अभी आपने देखा ही कैसे डांस कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इस वजह से। लेकिन बहुत सारी मस्ती कर ली आज दिन भर में, मतलब जो जो काम था वो भी किया मैंने और सारी ढेर सारी मस्ती भी की। जैसा सोचा था वैसा गया बर्थडे, बहुत 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 अच्छा गया बर्थडे। तो अभी बस देखिए, जब तक मैं बच्चों को कहूँगी नीना चेंज करने के लिए तब तक करेंगे रेडी। दियारा आधे ड्रेस उतार चुकी है, आधी नहीं उतारी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक कर देना शोभा और सब्सक्राइब कर देना शोभा, कमेंट कर देना ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज लिए एक नई टाटा बाय बाय। Yeah.